गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग रश्मि, उज्जवल, युवराज, प्रिया, हितेश, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स। मॉडल्स चल रहा था, उसमें हमने मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल पढ़ लिए? व्हील शेल पढ़ लिए मैम। कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, मे, माइट, माइट, मस्ट, विल, शेल, ये सब मॉडल पढ़ लिए ना हमने। यस मैम। मोस्टली अब लास्ट दो ही बचे हुए, शुड और वुड। शुड होता है बेटा किसका पास्ट? शैल का पास्ट। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। और विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे शुड। शुड का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? शुड का मीन्स क्या होता है हिंदी में? शुड का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? आज आपको मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाने, अपनी नोटबुक में जहां भी आप लिखते हो मेरे साथ साथ आपको ही राइट करना है। ओके, होमवर्क में आपको ओनली फॉर एक्सरसाइज मिलेगी। क्या मिलेगी होमवर्क में? ओनली फॉर एक्सरसाइज मिलेगी, आपको मेरे साथ साथ लिखना होगा। ठीक है? यस मैम। लिखना होगा और लिखना होगा। अपनी सब वीडियो चालू कर लो, वीडियो ऑन कर लो सब अपनी अपनी। देखो शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए। चाहिए के अर्थ में ही शुड का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में हमें ये काम करना चाहिए, इस सेंस में ही शुड का प्रयोग किया जाता है। मालूम है ना ये बात सबको? मालूम है ना? अब देखो उसके बाद में शुड का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। मोस्टली शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो ध्यान देना आप। शुड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? ड्यूटी के लिए शुड का यूज होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए। दूसरी बात मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड है बेटा एडवाइस। इनका सबका मीन्स बताऊंगी मैं आपको। सेकेंड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देने के लिए। किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है। उसके बाद में सजेशन। सजेशन देने के लिए शुड का यूज करते हैं। उसके बाद में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद with past tense, ठीक है? Sequence of tenses, tense के according अगर आपको sentence starting किससे मिले? Past tense है यानी verb की second form मिले, या आपको had मिले या was verb मिले, तो ये किसकी पहचान होती है? पास्ट टेंस की। तो वहां पे भी शुड ही करना है आपको, ठीक है ना? क्योंकि बेटा शुड क्यों करना है वहां पे? क्योंकि शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी अगर पास्ट टेंस से स्टार्टिंग मिलेगा तो वहां पे शुड ही करना है अपन को, ठीक है ना? यस मैम। उसके बाद में पास्ट, इन पास्ट टेंस, इन पास्ट टेंस express
express duty. In a past tense, express duty. Express duty. We always used should have. और आपका लास्ट है वी ऑलवेज यूज शुड विथ लिस्ट. ठीक है, ये वाला से ये वाले हैं आपके. इन इनके लिए किसका यूज किया जाता है? लास्ट वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा? नो मैम. ऊपर लिख देती हूँ इसको, यहाँ पे ध्यान से देखना. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको. वी ऑलवेज यूज शुड विथ लिस्ट. लिस्ट लास्ट वाला. ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पूछ लेना. सबसे पहला है ड्यूटी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य. क्या होता है? कर्तव्य. कर्तव्य. और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य. क्या होता है? नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य. ठीक है, नैतिक कर्तव्य. ठीक है ना? हम आप में लिख रहे हैं, वो भी हमें राइट करना है. हाँ, ये राइट करनी है बेटा आपको, फिर इनके सेंटेंस करने हैं. ठीक है ना? सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं यूज ऑफ शुड. शुड का यूज कहाँ होता है? इनके क्या मैम आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजोगे इनको? आपको बेटा एक्सरसाइज मिलेगी ओनली. ठीक है ना? होमवर्क में एक्सरसाइज मिलेगी आपको. नोट्स यहाँ पे समझा रही हूँ, यहाँ पे लिखा करो. ठीक है ना? समझो और लिखो. ठीक है? ड्यूटी. ड्यूटी का मतलब होता है बेटा कर्तव्य. कर्तव्य का यहाँ पे कर्तव्य ड्यूटी के लिए या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक कर्तव्य के लिए भी किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है. एडवाइस का मतलब होता है सलाह. सलाह देना. एडवाइस का मतलब होता है सलाह. सलाह के लिए भी किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज करते हैं. सलाह के लिए भी किसका यूज करते हैं बेटा? शुड का यूज करते हैं. सजेशन. सजेशन का मतलब क्या होता है? सुझाव. सजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सुझाव. सुझाव यानी कोई भी हमें सजेशन देता है, सुझाव देता है, तो उसके लिए भी किसका यूज करना है? हमें शुड का यूज करना है. अब देखो आगे है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कि अगर टेंस के अनुसार हम देखें कि शुड का यूज हमें कहाँ करना है तो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ पास्ट टेंस. अगर सेंटेंस स्टार्ट किससे मिलता हो? हमें पास्ट टेंस से सेंटेंस स्टार्ट मिलता हो, यानी पास्ट टेंस से मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म. ये नहीं लिखना आपको साइड में, जो लिखती हो ना समझाने के लिए वो नहीं लिखना. अगर वर्ब के सेकेंड फॉर्म वाज, वर या आपको हैड ऐसा कुछ मिलता है तो ये किसको इंडिकेट करता है? पास्ट टेंस को. तो आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर पास्ट टेंस मिलता है तो आप क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे. वहां पे किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे. यहाँ पे है बेटा सेंटेंस स्टार्टिंग विथ पास्ट टेंस. ठीक है, अगला पॉइंट इन पास्ट टेंस एक्सप्रेस ड्यूटी यानी पास्ट टेंस में आपको ड्यूटी बताई जाती है. पास्ट टेंस में आपको ड्यूटी के बारे में समझाया जाता है कि आपका ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य. पता है ना? पास्ट टेंस में आपको ड्यूटी के बारे में बताया जाता है.
कैसी कैसे टेंस हो, कैसा टेंस होना चाहिए? वो पास्ट टेंस होना चाहिए। वी ऑलवेज यूज्ड शुड हैव, हम उसके साथ में क्या यूज करेंगे? हमेशा शुड हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शुड हैव का। ध्यान रखना वहां पे ओनली शुड का यूज नहीं होगा, शुड हैव का। कब होगा शुड हैव का? जब हमें पास्ट टेंस में ड्यूटी के बारे में बताया जाता है तब हम यूज करेंगे शुड हैव का। आ गई बात समझ में सबको? बोलो। यस मैम। हाँ जी बोलो बोलो बेटा। कौन बोल रहा है? अनुष्का। का वीडियो बार बार में पॉज हो रहा है। हाँ मैम ऐसे कह रही है कि आपका वीडियो बार बार में पॉज हो रहा है। बार बार में क्लोज हो रहा है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा ना? नो मैम। ओके अब देखो, अब नहीं हो रहा। और हमें कहाँ पे यूज करना होगा शुड का? लास्ट पॉइंट है वी ऑलवेज यूज शुड विथ लिस्ट। अगर लिस्ट आ जाता है सेंटेंस में, लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि। लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा ना हो कि, ना हो कि। लिस्ट का मतलब है बेटा, हिंदी मतलब है ऐसा ना हो कि। लिस्ट का मतलब होता है, हम नहीं बोलते क्या एटलीस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसा ना हो कि जब भी लिस्ट एलईएसटी लिस्ट सेंटेंस में वर्ड आता है तो वहां पे शुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आए क्या? शुड का यूज कहाँ कहाँ करना है आपको, पहले मेरे को ये बताओ। यस मैम समझ में आ गया। हाँ तो बताओ कौन कौन से, कहाँ कहाँ शुड का यूज करना है, बोलो एक बार सब बोलेंगे। ड्यूटी, ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, सीक्वेंस ऑफ टेंस इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद पास्ट टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद पास्ट टेंस, वी ऑलवेज यूज शुड इन पास्ट टेंस एक्सप्रेस ड्यूटी, वी ऑलवेज यूज शुड हैव, एंड लास्ट वी ऑलवेज यूज शुड विद लिस्ट, विद द वर्ड ऑफ लिस्ट। लिस्ट शब्द के साथ में भी आपको किसका यूज करना है? शुड का यूज करना है। आ गई बात समझ में सबको? बोलो। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें, बताओ? नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला है अपना क्या? ड्यूटी सबसे पहला है, ये आपने लिख लिया होगा। तो मैं सबसे पहला फर्स्ट आपका ड्यूटी। मैम आपको वीडियो बार बार पॉज हो रहा है। वीडियो? यस मैम। यस मैम अभी भी हो रहा है क्या बेटा? यस मैम अभी भी हो रहा है। आप पता करते क्या आ रहे हो मैम? हमारे तो नहीं आ रहे। हम नहीं हो रहा क्या आपके? नहीं हो रहा। पॉज भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो रहा है हमारे तो हो रहा होगा। हमारे नहीं हो रहा। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, उस वजह से हो रहा होगा। कोई बात नहीं, एक बार आप देखो, फिर अगर ऐसा होता है तो एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेना क्लोज करके। ठीक है, अब देखो ड्यूटी इसमें फर्स्ट है बेटा। ड्यूटी फर्स्ट हेडिंग लगानी है अब आपको। ड्यूटी तो ड्यूटी का मतलब होता है, मैंने अभी अभी बताया था, ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। क्या मतलब होता है ड्यूटी का? कर्तव्य। अब देखो मैं सेंटेंस लिख लू, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस लिखना। इस सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। वी डैश हेल्प द पुअर एंड द नीडी। वी डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की और जरूरतमंद लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये बेटा क्या है, हमारा नैतिक कर्तव्य है या नहीं है? मैम है।
हमारे मैम है कहने के लिए है तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा बेटा, फिर किसका यूज होगा यहाँ पे, शुड का मैम। समझ में आया क्या सेंटेंस, बताओ मेरे को। यस मैम समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या आएगा? एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, हमसे बड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं एल्डर्स। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेंटेंस में, बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, शुड का। शुड का मैम। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। अगला है अपना, अगला सेंटेंस देखो, वी डैश प्रे टू गॉड डेली, वी डैश प्रे टू गॉड डेली, अब बताओ क्या आएगा इसमें? आपको सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार नीचे लिख देती हूँ इसको। मैम इसको थोड़ी ऊपर लिख दो, उस तरफ। मैम साइड में लिख दो। वी डैश। यस मैम इस तरफ लिख दो। टू गॉड डेली, दिखाई दे रहा है ना? अब बताओ इसमें क्या आएगा? शुड। हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए, तो ये क्या बनता है हमारा, क्या है बेटा ये कर्तव्य कि हमें गॉड से डेली प्रार्थना करनी चाहिए, क्या बनता है हमारा कर्तव्य। तो क्या आएगा बेटा इसमें, शुड आएगा। शुड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्या है सेकेंड वाला, एडवाइस। क्या है एडवाइस? एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सलाह देना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो इसके एग्जांपल देखो, हम एडवाइस देते हैं ना दूसरों को, या दूसरे हमें देते हैं एडवाइस, ऐसा होता है ना कि हमें एडवाइस दी जाती है और लेनी भी चाहिए, हमें एडवाइस दूसरों की लेनी भी चाहिए ना। देखो एडवाइस के लिए भी किसका यूज होता है, शुड, कि हमें एडवाइस इसलिए दी जाती है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। हमें ऑर्डर नहीं दे रहा अगला, हमें एडवाइस दे रहा है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए। चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है, पता है ना सबको। यस मैम। एग्जाम्पल देखना, फॉर एग्जाम्पल, You dash, work hard to improve. You dash work hard to improve your first division. क्या आएगा इसमें? क्या आएगा बताओ? मैम वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, एक बार आप बोल दो इसको पूरे को। यू डैश वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर फर्स्ट डिविजन, शुड। हाँ मैम सही आएगा इसमें, तो शुड आएगा। क्या आएगा बेटा रीजन, क्या इसका शुड आने का, क्योंकि बेटा हमें फर्स्ट डिविजन के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आया, शुड, वर्क हार्ड फर्स्ट डिविजन, हमें
वर्क हार्ड करना चाहिए इम्प्रूव करने के लिए अपने डिवीजन को, या यहाँ पे लिख सकते हैं योर डिवीजन, ठीक है। मैम आपका वीडियो बार बार में पॉज हो रहा है, अभी भी पॉज हो रहा है बेटा? यस मैम बार बार में पॉज हो रहा है। सॉल्यूशन करवाती हूँ, ठीक है ना। कल वॉइस कम आ रही थी ना, आज तो वॉइस ढंग से आ रही है, अच्छे से आ रही है, लेकिन आप बीच बीच में आज। यस मैम। ओके आज आपकी ये प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ओके अब देखो एक अगला एग्जांपल देखो। यू डैश गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, क्या आएगा इसमें? यू डैश गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, शुड आएगा, शुड चाहिए। यू डैश गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अगला है सेंटेंस देखो, यू डैश कॉल फॉर हेल्प हेल्प वेन यू आर इन ट्रबल। यू डैश कॉल फॉर हेल्प वेन यू आर ट्रबल। ये ट्रबल है बेटा, इन यू आर इन है यहाँ पे, और ये ट्रबल है। एक सेकेंड, मैम उस तरफ कैमरे की लाइट आ जाती है तो उस तरफ दिखाई नहीं देता, यहाँ पे लिख दो। सही है, अब दे रहा है ना दिखाई, अब सही है। ओके अब तो देखो तो इसमें क्या आएगा बताओ मेरे को फटाफट। यू डैश कॉल फॉर हेल्प, आपको हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए व्हेन जब यू आर इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है दुख या प्रॉब्लम, परेशानी। मैम शुड आएगा, मैम शुड, तो क्या आएगा? आपको कॉल करना चाहिए जब आप परेशानी में हो, तो करना चाहिए ना मदद के लिए कॉल करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैम शुड। अब बताओ ये दोनों अच्छे से समझ में आए या नहीं आए? यस मैम पूरे एकदम से समझ में आए ना समझ में सबको? यस मैम पूरे समझ में आ गए। ओके अब उसके बाद में है थर्ड सजेशन, ड्यूटी कर लिया होगा आपने। थर्ड पॉइंट है इसमें सजेशन, सजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सुझाव देना। सजेशन का क्या मतलब होता है? सुझाव देना। सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। सुझाव देने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यू डैश इन्वेस्ट, यू डैश इन्वेस्ट योर मनी, यू डैश इन्वेस्ट योर मनी इन इन द NSC। अब देखो सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। कुछ कंपनी के लोग हमें अपने बेनिफिट के लिए क्या देते हैं? सजेशन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं। और सुझाव देने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? शुड का। तो देखो हमें, जैसे मान लीजिए हमें कोई सुझाव सजेशन
दे रहा है कुछ इन्वेस्ट करने का, यू डैश इन्वेस्ट योर मनी, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना. मैम इसके अंदर शुड आएगा मनी का. इन द एनएससी, एनएससी कोई कंपनी होगी कि उस कंपनी में आप शुड आएगा इसके अंदर मनी का इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हम करें या नहीं करें वो हमारी मर्जी है. ये हमें क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए अपनी मनी को एनएससी के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा किसका यूज, शुड, शुड का. यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन द एनएससी. लिख ले, लिख लो बेटा एक सेंटेंस और लिख देती हूँ मैं शुड का, फिर अच्छे से लिख लेना. ठीक है, इसमें यस मैम बहुत सारे लिख दो. यू डैश डू योर होमवर्क. यू डैश डू योर होमवर्क रेगुलरली. दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे बेटा, यू है यहाँ पे तो डैश है, यहाँ पे यू है. ठीक है, ये यू है, यहाँ तक आपका डैश है. यू डैश डू योर होमवर्क, ये होमवर्क है बेटा. होमवर्क रेगुलरली. ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको क्या आएगा. यस मैम, आपको आपका होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए. सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. तुम्हें अपना होमवर्क रोज करना चाहिए. अब बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. मैम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे समझ में आ गए एकदम. नो मैम. अब देखो एक सेंटेंस है, यू डैश, मैं लिख रही हूँ सेंटेंस, बताना इसमें क्या आएगा. ये लिख लो पहले, ये लिख लो. लिख लिया क्या सबने? यस मैम लिख लिया. सेंटेंस लिख रही हूँ मैं ऊपर, ये बताना इसमें क्या आएगा. यू डैश टेक केयर of your hair. You dash take care of your health. क्या आएगा इसमें? Should. मैम should. पक्का? Yes मैम. तुम्हारी health का ख्याल रखना चाहिए. सुझाव दे रहे हैं, तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. अच्छा, हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. तो ये क्या है बेटा? यस मैम. यस मैम. क्या है बेटा यहाँ पे? शुड आया है. अब बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैम और एक्सरसाइज करवा लो, ये एग्जांपल्स. और एग्जांपल्स करवा लूं? यस मैम. मैम एचडब्ल्यू भी दे दो. यस मैम. एक्सरसाइज तो बेटा आपको होमवर्क के लिए दूंगी मैं. ठीक है, वो करना आप. ठीक है ना? यू डैश यस मैम डू मोर एक्सरसाइज. मैम ये एग्जांपल इनको रेज करके सही से लिख दो, फिर हम राइट करके घर से कल होमवर्क में कर लेंगे.
बेटा आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दूंगी, आपको नोट्स में एक्सरसाइज मिलेगी आपको, ठीक है? यस मैम। एक्सरसाइज वो करनी है आपको घर से, बताओ इसमें क्या आएगा। एक आपको थोड़ा सा अलग देती हूँ सेंटेंस, पीपल पीपल डैश वेस्ट फूड, यहाँ पे